ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म का नेमिंग कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी एंड हो गया। यहां जो एंगल होता है एंगल ए, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, पहली बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन पे एक नॉर्मल डालते हैं, दूसरी बार रिफ्रैक्शन यहां पे होता है तो इस पे भी हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए, है ना, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन पे। तो ये ए बी सी हो गया, इस पॉइंट को डी नाम दे दिया, इसको ई दे दिया, इसको एफ दे दिया और इसको जी दे दिया। इसमें कोई दिक्कत नेमिंग में, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। देखो, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी, उसको क्या डिनोट करेंगे, एंगल आई से। एंगल आई, ये रिफ्रैक्शन हुआ पहला, एंगल आर, इसको हम अपने मन से आर डैश मान लेते हैं, और ये जो बाहर निकली रे इसको आई डैश मान लेते हैं। तो जो यहां आई है वो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां जो एंगल आई डैश है ये होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक, अब टॉपिक में हमको पढ़ना है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि जो इंसिडेंट लाइट का एक्चुअल पाथ था और जो इमरजेंस लाइट का पाथ है उनमें कितना डेविएशन आया, इसको हम इंडिकेट करते हैं डेल से, और क्या पढ़ते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ते हैं इसको। ठीक, तो हमको उसी डेल के बारे में वैल्यूज कैलकुलेट करके चेक करनी। तो देखो, हम यहां ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसमें क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा किसी भी ट्रायंगल का वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो हम ट्रायंगल लेते हैं डी ई जी, इन ट्रायंगल डी ई जी जो डेल है वो है एक्सटीरियर एंगल, वो बराबर होगा इस एंगल के प्लस इस एंगल के, मतलब एंगल डी ई जी प्लस एंगल बी जी ई के, है ना। अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, ये जो इतना सा एंगल है वो किसके बराबर है, इस बड़े एंगल में से इस छोटे एंगल को घटा दे तो इतना एंगल बचेगा। यस सर। मतलब एंगल डी ई जी को क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ई एफ माइनस एंगल जी ई एफ प्लस डी जी ई को क्या लिख सकते हैं, डी जी एफ में से अगर हम डी जी एफ को माइनस करें ई जी एफ को, हमको इतना टुकड़ा मिल जाएगा।
ये एंगल मतलब एंगल डी जी एफ माइनस ये एंगल, इसे कर देंगे तो ये इतना मिल जाएगा। मिलेगा? यस सर। ये क्लियर है स्टेप सबको? यस सर। यस सर। चलो तो देखो डी ई एफ इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये फिगर कुछ ऐसा है, ये लाइन और ये लाइन, तो ये एंगल अगर पूरा आई है तो ये एंगल भी पूरा क्या होगा, आई के बराबर। मतलब ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, आई के बराबर। मतलब डी ई एफ हो गया एंगल आई माइनस जी ई एफ, जी ई एफ ये तो यहां मेंशन ही है, कितना है आर है आर, प्लस डी जी एफ, डी जी एफ अगेन ये एंगल जो है पूरा का पूरा है आई डैश, तो ये भी पूरा का पूरा कितना होगा, आई डैश ही होगा। इसमें ये आई डैश है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, आई डैश ही होगा जी। ये एंगल हो गया आई डैश माइनस ई जी एफ, ई जी एफ ये कितना है आर डैश है। आई वाले को एक साथ कर लो, एंगल आई प्लस एंगल आई डैश, और माइनस साइन कॉमन ले लें तो एंगल आर प्लस एंगल आर डैश, इसको इक्वेशन वन मान लो। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलो अब हम बात करते हैं एक बार पूरे क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड्रिलेटरल ए ई एफ जी के लिए। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 की 360 दीपांशु माइक बंद करो ना, आवाज ढंग से नहीं आ रहा है। ये एंगल हो गया ए ई एफ प्लस ये एंगल हो गया ई एफ जी, और ये एंगल हो गया एफ जी ए इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां ध्यान दो, ये लाइन क्या है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो जब इतना 90 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 ही होगा। उसी तरह ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो जब ये 90 है तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यस सर। तो वैल्यू पुट करो, देखो एंगल ए तो एंगल ए ही रहेगा, ए ई एफ, ए ई एफ ये हो गया 90 डिग्री, ये तो एज इट इज रह जाएगा ई एफ जी, फिर एंगल एफ जी ए, एफ जी ए ये कितना 90 डिग्री, तो इधर हो गया 360। ठीक, तो अब देखो 90 और 90 तो 180 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 360 में से 180 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 180 डिग्री
180. तो देखो एंड एंगल ई एफ जी इक्वल्स टू क्या होगा 360 में से ये 180 तो गायब हो जाएगा तो बचेगा 180 डिग्री और ये एंगल प्रिज्म एंगल इधर आएगा हो जाएगा तो हो गया कितना एंगल ए। ये दूसरी इक्वेशन मान ली ठीक है इसमें कोई दिक्कत है इस सेट में नो सर। चलो अब लास्ट ये ट्रायंगल नीचे वाला ई जी एफ इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा यस सर। तो इन ट्रायंगल ई जी एफ जो ये वाला एंगल है आर प्लस ये वाला एंगल है ई एफ जी प्लस ये वाला जो एंगल है कौन सा आर डैश इसका सम कितना 180 डिग्री का इसमें कोई दिक्कत नो सर। तो देखो यहां से आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ई एफ जी एंगल लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं यस सर। अब ई एफ जी की वैल्यू क्या थी देखो तो 180 माइनस एंगल ए था एंगल आर प्लस एंगल आर डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 और ये माइनस ए है तो ये क्या हो जाएगा यहां प्लस ए हो जाएगा तो 180 कट जाएगा बचेगा सिर्फ एंगल ए मतलब एंगल आर प्लस आर डैश ये कितना मिला हमको एंगल ए के बराबर मिला मिला यस सर। यस सर दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नो सर। तो इस आर प्लस आर डैश की वैल्यू को अब इक्वेशन वन में रख दो putting this value in equation 1 we get the angle of deviation hai wo kya mil jayega I plus I dash or minus आर प्लस आर डैश की जगह क्या हो जाएगा ए लिख देंगे Yes, sir. ये हमारा डिराइव हो जाता है एंगल ऑफ डेविएशन का इक्वेशन इसमें कोई दिक्कत किसी को नो सर।
सारा बच्चा कोई दिक्कत? ठीक, अब हम इसमें एक बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन का, कि सबसे कम डेविएशन हो उसकी क्या कंडीशंस। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, मतलब आई डैश, वो क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। इसलिए जो एंगल ऑफ आर होगा वो भी अपने आप आर डैश के बराबर हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक, तो ये कंडीशन होती है एंगल एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए। इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फोर, डेल की जगह क्या लिखेंगे हम? डेल की जगह लिखेंगे डेल एम, क्योंकि ये मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है, इसलिए ये मिनिमम डेविएशन एंगल दिखाएगा। डेल एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश है, तो ये तो दोनों आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल आई लिख सकते हैं, और माइनस में प्रिज्म एंगल तो है ही है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेल एम प्लस एंगल ए लिख सकते हैं। इसलिए सिर्फ एंगल आई की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, डेल एम प्लस एंगल ए बाई टू, ये मिलेगा। ये मिलेगा क्या? यस सर। अब फ्रॉम इक्वेशन थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री देखो, आर प्लस आर डैश है तो दोनों तो बराबर है, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू हाउ मच, एंगल ए। इसलिए सिर्फ एंगल आर क्या हो जाएगा, एंगल ए का आधा, इसको बी मान लिया। ठीक, ठीक है, यस सर। अब हम यहां पे यूज करेंगे स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला। कौन बताएगा स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला कौन बताएगा? अब देखो, यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ तो यही होता है। यस सर। यस सर। अब फॉर स्मॉल एंगल्स क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली एंगल आई बाई साइन एंगल आर लिख सकते हैं, क्योंकि साइन कॉस टैन ये सब हम गायब कर देते हैं, है ना? यस सर। तो अब यहाँ पे आई वैल्यू यहां से रखेंगे ए और बी से, तो देखो ये हो जाएगा एन इंटू एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आई। तो एन आर की वैल्यू कितनी है, एंगल ए बाई टू है, आई की वैल्यू कितनी है, डेल एम प्लस एंगल ए बाई टू है, यही ना है? यस सर। या ना? तो इसका उत्तर हाँ मिलेगा, यस सर। तो एन टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू डेल एम प्लस एंगल ए, तो ए को इधर भेज दो, तो एन टाइम्स ऑफ एंगल ए
माइनस एंगल ए इक्वल्स टू डेल एम। तो अगर हम ए को कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं, एन माइनस ए इंटू एंगल ए इक्वल्स टू डेल एम। तो इसको पलट के लिख देंगे, डेल एम इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू एंगल ए, ये पांचवा। तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन किसके किसके बीच, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म का एंगल, इन तीनों के बीच में ये रिलेशन एस्टैब्लिश होगा।